नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारे इस वीडियो में, जहां हम आपको भगवान शिव की नगरी हरिद्वार की मंदिरों के दर्शन करवाएंगे जो बेहद खूबसूरत है और इन मंदिरों से कई सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। हरिद्वार के मंदिरों के दर्शन। यदि आप भारत के पवित्र शहरों के बारे में बात करते हैं तो हरिद्वार निश्चित रूप से शीर्ष स्थानों के लिए होड़ करेगा। पवित्र नदी गंगा के तट पर इसका अनुकूल स्थान इसे गहरे धार्मिक महत्व देता है और इसकी लोकप्रियता को बढ़ाता है। वैसे तो हरिद्वार में घूमने के लिए कई जगह है, लेकिन शहरों के मंदिरों में लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ आती है। हरिद्वार एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने आते हैं। पुराणों के अनुसार गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। हरिद्वार दर्शन करना सच में एक दिव्य अनुभव है। इस शहर के लिए कई बातें हैं, जैसे हरिद्वार सप्तपुरिया में से एक है। हरिद्वार चार धाम यात्रा का प्रवेश मार्ग है। हरिद्वार में शक्तिपीठ भी है। हरिद्वार का प्राचीन नाम मायापुरी था। हरिद्वार में कुंभ के मेले का आयोजन होता है। ये पवित्र शहर भगवान विष्णु और भगवान शिव की नगरी है और यहाँ आधुनिक मंदिर, प्राचीन मंदिर, एक से बढ़कर एक गंगा घाट और भव्य आश्रमों का मिश्रण है। देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध ये शहर अपने आप में एक धर्म ग्रंथ है। माँ गंगा जी यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है और हो भी क्यों ना, हरि की पौड़ी जैसे पवित्र घाट इसी धरा पर है। वहीं दूसरी तरफ माँ मनसा देवी, माँ चंडा देवी जैसी देवियाँ भी इसी धरा पर है जो अपने भक्तों की मन्नतें पूरी करती हैं। वही शांति कुंज जैसे आश्रम भी हरिद्वार में अपना ज्ञान बिखेर रहे हैं और कनखल में दक्ष महादेव मंदिर जैसे पवित्र मंदिर हरिद्वार दर्शन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। मनसा देवी मंदिर। बिल्लव पर्वत के शीर्ष पर स्थित ये मंदिर देवी मनसा देवी को समर्पित है। ये हरिद्वार के सभी मंदिरों में से देवी का निवास होने की वजह से बेहद प्रसिद्ध है, जिन्हें देवी शक्ति का अवतार माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार उनका जन्म भगवान शिव के मन से हुआ था। मनसा शब्द इस विश्वास के संदर्भ में माना जाता है कि कोई भी भक्त जो ईमानदारी से, भक्ति और ईमानदारी से उसकी पूजा करता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। मनसा का शाब्दिक अनुवाद इच्छा है। वास्तव में मनसा देवी हरिद्वार में सबसे प्रसिद्ध अनुष्ठानों में से एक मंदिर के पेड़ की शाखाओं पर धागा बांधना है। वास्तव में एक बार वो आशीर्वाद प्राप्त हो जाने पर भक्त मनसा देवी हरिद्वार वापस जाते हैं और पेड़ से धागे को खोलते हैं। स्थान के अनुसार ये गंगा नदी का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। चूंकि इस मंदिर को इतना पवित्र और शुभ स्थान माना जाता है, इसलिए आसानी से नेविगेट करने योग्य नहीं है। यहाँ या तो ट्रैकिंग द्वारा मनसा देवी उड़ान खटोला नामक रोपवे का उपयोग करके पहुँचा जा सकता है। ये भी तीन सिद्ध पीठों में से एक है। चंडी देवी मंदिर। मनसा देवी हरिद्वार की तरह चंडी देवी मंदिर तीनों में से दूसरा सिद्ध पीठ है। ये देवी चंदा देवी को समर्पित है। चूंकि ये भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, इसीलिए ये हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय है। कुंभ मेले, नवरात्रि और चंडी चौदस के त्योहार के दौरान भक्त विशेष रूप से वहां जाते हैं। स्थान के अनुसार चंडी देवी हरिद्वार एक मंदिर के बहुत पास है, जो हनुमान अंजना की माँ को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और भक्त आमतौर पर दोनों को एक साथ देखने की योजना हर की पौड़ी में बनाते हैं। चूँकि स्थान हर की पौड़ी से 4 किलोमीटर दूर है, आप या तो सही स्थान पर ट्रैक कर सकते हैं या फिर चंडी देवी उड़न खटोला नामक रोपवे का उपयोग कर सकते हैं। हरिद्वार मंदिर के समय के अनुसार सुबह की आरती सुबह 5:30 बजे होती है, जो कि अधिकांश भक्त यहां पर मौजूद रहते हैं भाग लेने के लक्ष्य से, और ये उनके द्वारा बहुत सम्मानित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंडी देवी पार्वती का अवतार है, जिन्होंने शुंभा और निशुंभा को हराने के लिए ये रूप धारण किया था। हर की पौड़ी गंगा मंदिर। हर की पौड़ी का शाब्दिक अर्थ है शिव के चरण। ये पवित्र गंगा नदी के तट पर घाटों में से एक का नाम है और यही कारण है कि उनकी पूजा करने के लिए मंदिर वहां स्थित है। सभी हरिद्वार मंदिरों में से यहां भक्तों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण पवित्र नदी में डुबकी या फिर डुबकी लेना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये भक्तों के लिए सभी पापों को धो देता है और इस तरह उन्हें मोक्ष प्राप्त करने का दूसरा मौका मिलता है। दूसरी चीज जो यहां बेहद प्रसिद्ध है वो है गंगा आरती, जो शाम की होती है। ये आमतौर पर शाम 7:30 बजे के आसपास होती है और पवित्र नदी को श्रद्धांजलि देने के लिए कई पुजारी आग के गोले, दिया, मंदिर की घंटी और मंत्रों के साथ इकट्ठा होते हैं। भले ही हरिद्वार में बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन दुनिया भर में लोग इस अनुष्ठान को देखने आते हैं, खासकर कुंभ मेले के दौरान। दक्ष महादेव मंदिर।
यह हरिद्वार के अन्य दिव्य मंदिरों में से एक है और भगवान शिव को श्रद्धांजलि में बनाया गया है, जिन्हें महादेव भी कहा जाता है। हरिद्वार के सभी मंदिरों में से ये वही है जहां भगवान शिव के भक्त महाशिवरात्रि के दौरान तीर्थ यात्रा करते हैं और इस प्रकार मंदिर बहुत उत्सव और त्योहार के दौरान जगमगाता है। यद्यपि ये तकनीकी रूप से हरिद्वार के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है, वास्तव में कनखल में 4 किलोमीटर दूर स्थित है। कहा जाता है कि रानी धन कौर ने इसे 1810 में बनवाया था, लेकिन वास्तव में इसे 1962 में फिर से बनवाया गया था। यह हरिद्वार के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है क्योंकि इसमें सुंदर वास्तुकला है और ये भक्तों और पर्यटकों के लिए एक समान यात्रा है। इस स्थान का एक महान पौराणिक महत्व ये भी है कि जैसा कि महाभारत में उस स्थान के रूप में वर्णित है जहाँ राजा दक्ष ने अश्वमेध यज्ञ किया था। भारत माता मंदिर। 1983 में स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि द्वारा स्थापित भारत माता मंदिर हरिद्वार के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है क्योंकि वास्तव में भारत माता का मंदिर है। हरिद्वार में मनसा देवी हरिद्वार जैसे अन्य मंदिरों के विपरीत इसमें भक्तों द्वारा नहीं बल्कि देशभक्तों द्वारा दौरा किया जाता है। वास्तव में इस हरिद्वार मंदिर का उद्घाटन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती द्वारा किया गया था। इंदिरा गांधी भारत माता या फिर भारत माता की अवधारणा को मातृभूमि के लिए खुद को समर्पित करने का एक पवित्र तरीका माना जाता है। इस मंदिर में वास्तव में 8 मंजिल है जिनमें पहला देवी का मंदिर है और बाकी भारत के नायकों, भारत के प्रसिद्ध महिलाओं, भारत के धर्मों, भारत के इतिहास, देवी शक्ति, भगवान विष्णु और भगवान शिव को समर्पित है। माया देवी मंदिर। माया देवी मंदिर हरिद्वार में चंडी देवी हरिद्वार और मनसा देवी हरिद्वार के साथ सबसे दिव्य मंदिरों में से एक है। ये सिद्ध पीठ बनाता है और इसलिए अन्य स्थानों में से एक है जहाँ कहा जाता है कि सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। शक्ति का एक और अवतार माना जाता है देवी माया देवी के बारे में कहा जाता है कि उनके 3 सर और 4 भुजाएं हैं। मंदिर के अंदर 3 प्रतीक है, देवी काली, देवी कामाख्या और देवी माया। सिद्ध पीठ बनाने वाले हरिद्वार के अन्य 2 मंदिरों के विपरीत ये वास्तव में आसानी से पहुंचा जा सकता है। ट्रैकिंग या फिर रोपवे के बजाय बस या अन्य स्थानीय परिवहन द्वारा आसानी से आप यहां पहुंच सकते हैं। नवरात्रि और कुंभ मेला ऐसा त्यौहार है जहां यहां विशेष अनुष्ठान होते हैं और इसीलिए जब इस मंदिर का सबसे अधिक दौरा किया जाता है। नीलेश्वर मंदिर। यह हरिद्वार के मंदिरों में से एक है जिसके चारों ओर सबसे अच्छा दृश्य है। भले ही ये लगभग प्राचीन और आकार में छोटा है, कहा जाता है कि नील भगवान शिव के भक्त का नाम है जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और इसीलिए नाम उनके लिए एक श्रद्धांजलि है। भले ही यहाँ भगवान शिव की पूजा की जाती है, इस मंदिर के बारे में सबसे प्रसिद्ध चीजों में से एक इसके बगल में बहने वाली गंगा की छोटी धारा है जिसे नील धारा भी कहा जाता है। यहाँ प्रचलित अनुष्ठान के अनुसार लोग पहले इस धारा में डुबकी लगाते हैं और फिर मंदिर के दर्शन करते हैं। जैन मंदिर। भले ही इसे हिंदुओं का पवित्र शहर माना जाता है, हरिद्वार के मंदिरों में एक जैन मंदिर भी शामिल है जिसकी सुंदरता, वास्तुकला और शांतिपूर्ण और शांत वातावरण भक्तों और पर्यटकों की भीड़ को समान रूप से आकर्षित करता है। इस मंदिर की 2 मंजिला में 2 अलग अलग मूर्तियां हैं। भूतल में तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की सफेद संगमरमर से बनी मूर्ति है और पहली मंजिल में भी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ की एक मूर्ति है। श्री घंटाकरण महावीर और श्री आदिनाथ भगवान को समर्पित 2 छोटे मंदिर मुख्य की एक सीमा पर है। ये मंदिर न केवल हरिद्वार की बाहरी सुंदरता में योगदान देता है बल्कि स्थानीय लोगों द्वारा दिखाए गए हर रूप में भगवान की महान सहिष्णुता और स्वीकृति का भी प्रमाण है। सप्तऋषि आश्रम। इसे हरिद्वार के सबसे प्रमुख आश्रमों में से एक माना जाता है और इसकी स्थापना प्रसिद्ध गुरु गोस्वामी दत्त ने साल 1943 में की थी। इस आश्रम का वातावरण काफी शांतिपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसे 7 प्रसिद्ध संतों का स्वागत किया गया था, अर्थात वशिष्ठ, गौतम, कश्यप, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज और अत्रि। इस जगह से जुड़े कुछ दिलचस्प पौराणिक तथ्य भी हैं। पवन धाम मंदिर। यदि आप प्राचीन मूल्यों, सुंदर परिवेश और स्वच्छ वातावरण के साथ हरिद्वार के आधुनिक मंदिर का सबसे अच्छा उदाहरण देखना चाहते हैं, तो आपको हरिद्वार के पवन धाम मंदिर को अवश्य देखना चाहिए। हर की पौड़ी से लगभग 3 किलोमीटर और हरिद्वार के मुख्य शहर से 2 किलोमीटर दूर ये मंदिर निश्चित रूप से आपको आनंद से भर देगा। इसकी लोकप्रियता का एक मुख्य कारण दीवारों पर खूबसूरती से की गई कांच की डिजाइनिंग है। पवन देव या फिर वायु देव को समर्पित इस मंदिर का शहर में